या वहां की सेना हो, ये सब लोग मिलकर कश्मीर का बहाना बनाकर। महवेश ने ट्वीट में लिखा है, भारतीय मीडिया में मुझ पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनका एजेंडा क्या है और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं कश्मीर पर भारत के अत्याचार उजागर करती रहूंगी। महविश हयात पाकिस्तान की जानी मानी अभिनेत्री हैं। जी न्यूज ने 24 अगस्त को डीएनए में दाऊद इब्राहिम के महविश हयात से रिश्तों का खुलासा किया था। सूत्रों के मुताबिक जी न्यूज के खुलासे के बाद दाऊद इब्राहिम परेशान था। दूसरा सबूत दाऊद इब्राहिम का वो पासपोर्ट है, जी नेशनल आइडेंटिटी नंबर, उसके पासपोर्ट, कराची में उसके घर और परिवार के सदस्यों की संपत्ति की पूरी जानकारी पर बड़ा खुलासा किया था। दाऊद की पत्नी का पासपोर्ट। पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम पर जी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे पर वरिष्ठ वकील और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश सालवे ने कहा, दाऊद जैसे कई आतंकी पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान को डर है कि अगर उसने कुछ बोला तो वहां कई लोग बेनकाब हो जाएंगे। कैसे हैंडओवर कर देंगे दाऊद को? दाऊद ने अगर इनका चिट्ठा खोल दिया कि इनके सरकार में कौन कौन है जो उसको पैसे देता है, जो उसको सपोर्ट करता है, जो उसको आर्म्स देता है, उसको आईएसआई से क्या सपोर्ट मिलता है, तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा। हरीश सालवे ने कहा कि कुलभूषण जाधव केस की तरह भारत को दाऊद का मामला भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उठाना चाहिए। जिस तरीके से आईसीजे ने जाधव का केस देखा है, उस तरीके से भारत को भी थोड़ा खोल के ट्रीटीज में आईसीजे का जुरिस्डिक्शन कंसिडर करना चाहिए, जिससे एक वर्ल्ड ऑर्डर बन पाए, जिससे ऐसे मामले हम अगर मामला ऐसा है तो हम आईसीजे में जाके कह सकें कि भाई ये इस आदमी ये खूनी है, आदमी दरिंदा है, ये इसने भारतीय भारत में जो इसने कांड किए हैं, इनोसेंट लोगों की जाने गई है और इसको हैंड ओवर कर देना चाहिए। कश्मीर को बीच में लाकर इस खुलासे पर अब पर्दा डालना चाहती है। आज हमने महविश हयात से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखने के बजाय कश्मीर पर बयानबाजी करना शुरू कर दिया और इस पूरे मामले को कश्मीर के साथ जोड़ दिया। महविश को लगता है कि वो कश्मीर पर झूठ बोलकर दाऊद से अपने रिश्तों का सच छिपा लेंगे, लेकिन हम उनकी ये कोशिश सफल नहीं होने देंगे और हम दाऊद और उसके करीबियों के खिलाफ इस जंग को अब अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे, चाहे दाऊद हो, महविश हो या पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना हो। ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं और इन सब लोगों का एक ही एजेंडा है और वो है बात बात पर कश्मीर को बीच में ले आना। और इसलिए अगर आप भी इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमें हैशटैग दाऊद का कश्मीर कार्ड पर ट्वीट कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये सारे लोग मिलकर कश्मीर नाम की एक दुकान चलाते हैं पाकिस्तान में। उस दुकानदारी के पीछे सब तरह की हरकतें करते हैं, पैसा कमाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है जो आज हम पाकिस्तान के दर्शकों को भी कहना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि वहां की सरकार, आईएसआई, सेना, दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधी और उनके साथ काम करने वाले फिल्मी कलाकार, ये सब आपको मिलकर धोखा दे रहे हैं और सब आपको मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। कश्मीर से पाकिस्तान की जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला। पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कश्मीर उसे कभी मिल कि उनके साथ धोखेबाजी हो रही है। महविश हयात ने अब से थोड़ी देर पहले कुछ ट्वीट्स किए और उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि हमने दाऊद के साथ उनके रिश्तों की जो खबर दिखाई है उसका कोई आधार नहीं है और ये सब एक एजेंडा के तहत किया जा रहा है और वो कश्मीर पर बोलना बंद नहीं करेंगी। महविश हयात ये कह सकती हैं कि हमने जो भी खुलासा किया वो झूठा है, लेकिन हमें झूठा साबित करने के लिए उन्होंने जिस तरीके से कश्मीर कार्ड को खेला वो खुद ये साबित करता है कि हमारे दावों में कितना दम है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि वो कश्मीर का मुद्दा उठाती रहेंगी और बॉलीवुड के पाखंड को भी उजागर करती रहेंगी, लेकिन हमारा उनसे सवाल ये है कि महविश हयात अगर सच कह रही हैं कि उनका दाऊद के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो इसे साबित करने के लिए वो कश्मीर का सहारा क्यों ले रही है? वो ये बात बिना कश्मीर का नाम लिए भी कह सकती थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी है। महविश हयात कराची के किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ पाकर रातों रात पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई, लेकिन जी न्यूज के खुलासे के बाद अब पाकिस्तान में भी महविश हयात पर सवाल उठ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि एक साधारण सी अभिनेत्री को किस आधार पर वहां के राष्ट्रपति ने इतना बड़ा नागरिक सम्मान दिया। तमगा इम्तियाज हासिल कर चुकी
महविश हयात की लोकप्रियता अब पाकिस्तान में ही कम होने लगी है और उन्हीं के देश के लोग उनकी सफलता को अब शक की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में गिरती लोकप्रियता के बावजूद सेलिब्रिटी बने रहने का एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले का नाम है कश्मीर। और महविश हयात इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपनी गिरती हुई साख को बचाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको इससे कि आप देख पाएंगे कि उन्होंने क्या लिखा है। अपने ट्वीट में वो कहती हैं कि भारत का मीडिया जो आपकी स्क्रीन पर है समय, मैं कोई स्टेटमेंट तो इश्यू नहीं करूंगी भारत का मीडिया जो मेरे बारे में खबरें चला रहा है उसे लेकर, लेकिन अगर इनसे ही ये सवाल है कि अगर स्टेटमेंट इशू नहीं करेंगी तो फिर इन्हें ये ट्वीट भी नहीं करना चाहिए था। इस ट्वीट को स्टेटमेंट ही माना जाएगा।